पूजा हेंगड़े ने की विकी कौशल से मुलाकात। पूजा हेंगड़े ने दो टोक अल्फाज में विकी कौशल को दे दी वार्निंग। विकी कौशल पूजा हेंगड़े की बातें सुनकर हैं बहुत ज़्यादा परेशान। पूजा हेंगड़े ने विकी कौशल को ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर विकी कौशल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सवाल से सारी बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इन दिनों सलमान खान और कतरीना कैफ पूरे सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। इसी हवाले से जब पूजा हेंगड़े ने यह सब कुछ देखा तो वो आप ही से बाहर हो गई। पूजा हेंगड़े ने थोटोक अल्फाज में विकी कौशल को वार्निंग दे दी। पूजा हेंगड़े ने विकी कौशल को साफ अल्फाज में बता दिया कि वो और सलमान खान बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और दोनों की शादी की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। पूजा हेंगड़े ने मजीद विकी कौशल से कहा कि बेहतर यही है कि वो अपनी पत्नी कतरीना कैफ को अपने कंट्रोल में कर लें, क्योंकि इन दिनों कतरीना कैफ सलमान खान के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही हैं और पूजा हेंगड़े ये बात किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने मजीद बताया कि विकी कौशल को चाहिए कि वो कतरीना कैफ को टाइम दें और सारा अली खान का पीछा छोड़ दें ताकि विकी कौशल और कतरीना कैफ खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। खबरें हैं जब विकी कौशल ने यह सब कुछ सुना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि एक तरफ विकी कौशल सारा अली खान के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। खबरें हैं कि दोनों की फिल्म ज़रा हट के ज़रा बच के कुछ ही दिनों में रिलीज़ हो जाएगी। इसी हवाले से दोनों के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि दूसरी जानब कतरीना कैफ हैं कि सलमान खान के पीछे पड़ी हुई हैं और सलमान के साथ क्लोज रिलेशन में हैं। इसी हवाले से विकी कौशल भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो जानते हैं कि कतरीना कैफ और सलमान खान का लव अफेयर माजी में रह चुका है। इसी हवाले से दोनों आज भी क्लोज नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या पूजा हेंगड़े की वार्निंग सुनकर विकी कौशल कतरीना कैफ को सलमान खान के साथ मिलने से मना कर देंगे? सवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।